नमस्कार दर्शकों, मैं आरश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि फल जनवरी 2022 के बारे में। जनवरी 2022 का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। जैसे जनवरी के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, धन और आर्थिक स्थिति आपकी कैसी होगी, भूमि भवन प्रॉपर्टी की कैसी स्थिति होगी, शिक्षा संतान प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, कंपटीशन में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, विवाह का योग बनेगा या नहीं बनेगा, प्रेम विवाह होगा या फिर अरेंज मैरिज होगी, भाग्य साथ देगा या नहीं देगा, व्यापार व्यवसाय नौकरी की क्या स्थिति रहेगी, स्वयं के कार्यों की क्या स्थिति रहेगी, जनवरी का महीना लाभदायक सिद्ध होगा या नुकसानदायक, इन्हीं सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। जनवरी के महीने में दो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, एक तो सूर्य का राशि परिवर्तन, एक मंगल का राशि परिवर्तन। सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे और जब भी सूर्य मकर राशि में गोचर करते हैं तो संक्रांति का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं मकर संक्रांति। मंगल का 16 जनवरी को धनु राशि में गोचर होगा, जो कि मंगल अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि गुरु की राशि दशम भाव में मंगल गोचर करेंगे 16 जनवरी से, तो ऐसे में क्या स्थितियां बनेगी। दो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और अन्य ग्रहों का गोचर होगा तो क्या प्रभाव मिलेगा, इन्हीं सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। यह फलादेश चंद्र कुंडली पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर आप अप्लाई करके जान सकते हैं कि जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। यदि हम बात करें तो ये जनवरी महीने की मीन राशि वालों की कुंडली है। लगन भाव में कोई ग्रह नहीं है, धन भाव में कोई ग्रह नहीं है, पराक्रम भाव में राहु है, सुख भाव में कोई ग्रह नहीं है, पंचम भाव में आपके शिक्षा संतान के भाव में कोई ग्रह नहीं है, कंपटीशन के भाव में कोई ग्रह नहीं है छठे भाव में, सातवां भाव भी खाली है और आठवां भाव भी आपका खाली है। भाग्य भाव जिसको नवम भाव कहते हैं, धर्म का भाव, यहाँ पर मंगल और केतु विराजमान है। मंगल यहाँ पर 16 जनवरी तक रहेंगे, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर केतु अकेले रहेंगे। यहाँ पर यदि हम बात करें तो सूर्य जो है 14 जनवरी तक रहेंगे और 14 जनवरी के बाद सूर्य यहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ पर 16 जनवरी को मंगल आ जाएंगे, तो शुक्र और मंगल का यहाँ पर गोचर रहेगा। तो यहाँ पर 14 जनवरी को सूर्य आएंगे तो बुध सूर्य और शनि का गोचर यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद यदि हम बात करें तो 12वें भाव में गुरु का गोचर रहेगा, तो ये ग्रहों की स्थिति हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि सूर्य का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य जो है दशम भाव में गोचर कर रहे हैं धनु राशि में, ये मित्र की राशि है, ये मित्र का भाव हुआ और यहाँ पर सूर्य का गोचर काफी अच्छा माना जाता है। सूर्य यहाँ पर दिग्बली होते हैं, सूर्य यहाँ पर कैरियर को मजबूत करने का काम करते हैं, छठे भाव के मालिक है और छठा भाव जो होता है ये होता है रोग ऋण शत्रु और कंपटीशन का, सरकारी नौकरी का प्राइवेट नौकरी का। तो यहाँ नौकरी का जो भाव है वो एक्टिव है आपका, क्योंकि यहाँ के मालिक सूर्य हैं और वो कैरियर के क्षेत्र में बैठे हैं, मतलब कैरियर का संबंध होगा, कंपटीशन का भाव है। यदि आप कंपटीशन कहीं दिए हैं या देने जाते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नौकरी की यदि आप तलाश में हैं, प्राइवेट नौकरी की तलाश में हैं या सरकारी नौकरी के लिए आप बहुत दिन से प्रयासरत हैं या अनुकंपा वाली नौकरी आपको नहीं लग रही, तो ये समझ जाइए कि मीन राशि वालों के लिए सरकारी नौकरी लगने के चांसेस हैं, कंपटीशन में सफलता मिलने के चांसेस हैं, रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे, ये आपका छठा भाव एक्टिव रहेगा, यहां से संबंधित आप फल ले सकते हैं, कैरियर आपका मजबूत रहेगा, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप सरकारी नौकरी करते हो या प्राइवेट या स्वयं का कार्य करते हो, ये भाव आपका एक्टिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का गोचर काफी अच्छा माना जाता है। अब सूर्य यहां पर बैठ करके सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में डालेंगे तो ये भाव भी आपका काफी अच्छा बन जाएगा, क्योंकि मंगल सूर्य और शुक्र की दृष्टि यहां पर रहेगी, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान में आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा, लग्जरी वाहन खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, मकान बना सकते हो, खरीद सकते हो, ये काफी अच्छी स्थितियां हैं, तो आपको भौतिक सुखों में वृद्धि मिलने वाली है, तो ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य जब यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 14 जनवरी, अब 14 जनवरी के बाद स्थितियां बदल जाएंगी,
और अच्छे परिणाम मिलने लग जाएंगे, क्योंकि सूर्य एकादश भाव में बहुत अच्छे परिणाम देता है। सूर्य एक तो तीसरे भाव, छठे भाव और एकादश भाव, इनमें सबसे अच्छे परिणाम देता है। दशम भाव में भी बहुत अच्छे परिणाम देता है। इन भाव में यदि सूर्य गोचर करे तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो लाभ भाव में गोचर करेगा तो एक तो लाभ में वृद्धि करेगा, आय का भाव है तो आय में वृद्धि करने का काम करेगा, और कंपटीशन के मालिक होकर के लाभ के भाव में बैठे, मतलब आपकी मन की जो इच्छा है वो पूर्ति कर देंगे। कंपटीशन में आप यदि निकलना चाहते हैं या नौकरी की तलाश में हैं तो ये आपको जरूर लाभ देने वाले। तो छठे भाव के मालिक होकर के लाभ भाव से संबंध हो जाए तो ऋणों को समाप्त करने का काम करते हैं, चाहे वो सूर्य हो चाहे मंगल। अब यदि आपका कर्जा है या आपने किसी को पैसा दिया है नहीं निकल रहा है, तो समझ जाइए कि जनवरी में ऐसा योग बन रहा है 14 जनवरी के बाद कि जो पैसा आपका लिए हुए है वो जो है देने का प्रयास करेंगे, तो आपका ऋण जो है वो पूरा चुका देंगे। या आप लोन लेकर के कोई बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ये भी स्थितियां काफी अच्छी हैं। कोई धन आपको अचानक मिल सकता है या आपका ही धन हो वो आपको मिल सकता है, तो ये काफी अच्छी स्थितियां बन रही है यहाँ पर। आप लाभ ले सकते हैं, कैरियर में जो भी कार्य करते हैं उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, चाहे व्यापार करो चाहे नौकरी करो चाहे स्वयं का कार्य करो, इनमें भी आपको लाभ मिलेगा। आप सूर्य यहां पर बैठकर सप्तम दृष्टि पंचम भाव में डाल रहे हैं। सप्तम भाव जो, सप्तम दृष्टि जो होती है वो जो है पूर्ण दृष्टि होती है। अब यहां पर शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह, इनमें कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलने के योग बनेगी। शिक्षा में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी, प्रेम विवाह में भी सफलता मिलेगी, संतान में भी सफलता मिलेगी। ये भाव आपका एक्टिव रहेगा और इसमें काफी लाभ आपको मिल सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें मंगल के बारे में, तो मंगल का जो गोचर है वो आपके भाग्य भाव में हो रहा है, जो कि 16 जनवरी तक रहेगा। भाग्य भाव में मंगल काफी अच्छे परिणाम देते हैं। मंगल आपके धन भाव के मालिक होकर के, भाग्य भाव के मालिक होकर के, भाग्य भाव में ही विराजमान, धन आपको लाभ देंगे, कुटुंब में परिवार से आपको सहयोग मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा, किस्मत आपकी साथ देगी, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। मंगल यहां पर बैठ करके 1, 2, 3, 4, 12वें भाव से संबंध बना रहे हैं। विदेश आप भ्रमण करने जा सकते हैं, विदेश से जुड़ी हुई कार्य कर सकते हैं, नौकरी व्यापार इंपोर्ट आउट का आप काम कर सकते हो, या फिर जो है मंगल यहां पर बैठ करके सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव में डालेगा, छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं, धर्म की यात्राएं कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम यहां पर मंगल महाराज करेंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव में रहेगी। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित कोई भी कार्य यदि करते हो आपको सफलता मिलेगी। ये स्थितियां काफी अच्छी रहने वाली है। प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको जरूर लाभ होगा। मंगल का 16 जनवरी को राशि परिवर्तन होगा, दशम भाव में मंगल गोचर करेंगे, और यहां पर भी मंगल का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि मंगल भी यहां पर दिग्बली होते हैं, सूर्य मंगल दोनों ही अच्छे परिणाम देते हैं। तो यहां पर मंगल गोचर करेंगे तो कैरियर को मजबूत करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, किस्मत आपकी साथ देगी, व्यापार व्यवसाय और नौकरी के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता के योग बनेंगे। तो यहां पर मंगल काफी अच्छे परिणाम देंगे, कैरियर को मजबूत करेंगे। चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 यहां पर लगन भाव में रहेगी, बल पराक्रम में वृद्धि तो होगी होगी, कॉन्फिडेंस भी आपका बना रहेगा, कोई भी कार्य जोश जुनून से करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। यहां पर आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद सप्तम दृष्टि मंगल की चतुर्थ भाव में, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन, इन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, भौतिक सुखों में वृद्धि करने का यहां पर मंगल काम करेंगे। शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि अष्टम दृष्टि यहां पर मंगल की पड़ने वाली है। तो सूर्य और मंगल दोनों का ही गोचर आपके फेवर में रहेगा, कई मायनों में आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, और केन त्रिकोण राजयोग का भी काम करेंगे, क्योंकि मंगल केन त्रिकोण राजयोग से निर्माण बनाएंगे, तो केन त्रिकोण राजयोग का फल आपको मिलेगा, यश मान सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, वैभव मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, ख्याति मिलेगी, और आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत रहेगी। अब हम बात करेंगे बुध के बारे में। बुध आपके सुख भाव का मालिक है, वैवाहिक जीवन का मालिक है, विवाह भाव का मालिक है, और लाभ भाव में बैठा हुआ है, ये भी काफी अच्छी स्थिति है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से संबंधित आप लाभ ले सकते हैं, आपको भौतिक सुखों में वृद्धि देखी जाएगी, और वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन की स्थितियां काफी अच्छी रहेगी,
जो मनमुटाव चल रहा था वो समाप्त होगा, और कंपटीशन में यदि आप व्यापार करते हैं तो उसमें आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। विवाह का योग यदि हम बात करें तो विवाह का जो योग है वो तो बनेगा, लेकिन विवाह का मुहूर्त 13 अप्रैल तक नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी राशि से गुरु 12वें भाव में गोचर करेंगे, और गुरु जब 4वें, 8वें, 12वें भाव में गोचर करते हैं तो विवाह का मुहूर्त नहीं बनता है। इसलिए आपको विवाह अप्रैल तक नहीं करना चाहिए। अप्रैल के बाद यदि आप विवाह करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, नहीं तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात है। मीन राशि वालों के लिए विवाह के कोई मुहूर्त नहीं बनते हैं। 4वां, 8वां गुरु यदि फंस जाए, 12वां गुरु फंस जाए तो विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप पूजा पाठ अनुष्ठान करके करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विवाह के लिए मुहूर्त नहीं है। विवाह आप जोड़ लीजिए, अप्रैल के बाद आप विवाह करिएगा, बढ़िया रहेगा, और अप्रैल के बाद विवाह का योग भी बनेगा जबरदस्त, इसलिए आप अभी वेट करें। तो यहाँ का जो भाव है और यहाँ का जो भाव वो एक्टिव है, लाभ भाव में बुध गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देंगे। शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह में भी सफलता दिलाने का काम यहाँ पर बुध महाराज करेंगे। अब हम बात करेंगे बुध के बाद गुरु के बारे में। तो गुरु लगन भाव के मालिक है, गुरु आपके कैरियर भाव के मालिक है, लग्नेश होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस कारण से आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कोरोना जैसी बीमारी चल रही है तो इसमें भी सतर्कता बरतने की जरूरत है मीन राशि वालों को, क्योंकि स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। और यहाँ पर 12वें भाव में गुरु का गोचर हो रहा है, लग्नेश के मालिक हैं, लग्नेश है 12वें भाव में गोचर करते हैं तो स्वास्थ्य में ज्यादा बुरा प्रभाव डालते हैं, इसलिए आपको सतर्कता बरतना चाहिए। स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है, स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नौकरी के लिए स्थितियां अच्छी हैं, विदेश जाकर के नौकरी कर सकते हैं, विदेश से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं, आपको जरूर सफलता मिलेगी। गुरु का पंचम भाव यदि हम बात करें तो कुछ अच्छे परिणाम और कुछ बुरे परिणाम, दोनों प्रकार के परिणाम मिलते हैं। पंचम दृष्टि यदि बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 सुख भाव में गुरु की दृष्टि रहेगी, सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे, क्योंकि 12वां गुरु जो होता है काल पुरुष की कुंडली में पक्का भाव है गुरु का, ये तो यहाँ पर काफी अच्छे परिणाम भी देखे गए हैं। सप्तम दृष्टि 6ठे भाव में रहेगी गुरु की, तो 6ठे भाव में रहेगी तो कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रु को समाप्त करने का काम करेंगे, या फिर यदि आपकी कुंडली में गुरु खराब है तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रुओं को बढ़ाने का काम करेंगे, यहाँ पर नुकसान देने का काम कर सकते हैं। गुरु की नवम दृष्टि 8ठे भाव में रहेगी, आध्यात्म में मन लगेगा, धर्म कर्म में रुचि बनेगी, हो सकता है गुप्त धन आपको प्राप्त हो सके, तो ये स्थितियां गुरु की रहने वाली है, मूल्य जुले परिणाम आपको मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र की यदि हम बात करें तो शुक्र का जो गोचर है वो आपके 10ठे भाव में गोचर है, शुक्र आपके 3ठे भाव के मालिक है और 8ठे भाव के मालिक है, यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर 10ठे भाव में वैसे अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यह है कि प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां करते हैं या स्वयं के कार्य जो करते हैं उनमें सफलता मिलती है, तो ये स्थितियां रहेंगी। शुक्र की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके 4ठे भाव में रहेगी, तो भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम यहाँ पर शुक्र करते हैं। आपका पैसा थोड़ा ज्यादा खर्च होगा, किन चीजों पर? भौतिक सुखों में। आप लग्जरीस वाहन खरीद सकते हैं, लग्जरीस मकान खरीद सकते हैं, इन स्थितियों में आपका पैसा ज्यादा इन्वेस्ट हो सकता है, या फिर आप जो है लग्जरी चीजों में ऐसे आराम में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुक्र का गोचर आपको मिले जुले परिणाम लेकर के आने वाला है, मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे, लेकिन भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम यहाँ पर शुक्र महाराज करेंगे। बात करेंगे शनि के बारे में। शनि का जो गोचर है वो 1ादश भाव में है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। शनि यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। मीन राशि वालों के लिए शनि का गोचर काफी अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा, आय में वृद्धि मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और मन की इच्छाओं की पूर्ति होगी। विदेश से जुड़े हुए कार्य यदि आप करते हैं तो जबरदस्त सफलता मिलेगी। भाग्य शनि यहां पर बैठ करके 3री दृष्टि आपके लगन भाव में डालेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं ठीक करने का प्रयास करेंगे। सप्तम दृष्टि 5ठे भाव में शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी, प्रेम विवाह में आपको सफलता मिलेगी। वही यदि हम बात करें तो शेयर मार्केट में भी आपको लाभ मिलने वाला है। और या इसके बाद सप्तम के बाद नवम दशम दृष्टि जो शनि की रहेगी, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, 8ठे भाव में रहने वाली है,
तो यहां पर यदि हम बात करें तो थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी। वाहन चलाते समय सावधानी रखना है आपको, और अनगल बातों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, सतर्कता बरतने की जरूरत है। वैसे अष्टम भाव में शनि की दृष्टि है, कोई विशेष बुरी दृष्टि नहीं है, बुरा प्रभाव नहीं है। शनि का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, धन की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मन की इच्छाओं को पूर्ति करने का काम यहाँ पर शनि महाराज करेंगे। 12वें भाव के भी मालिक है, तो विदेश से जुड़े हुए कार्य में भी सफलता दिलाने का काम यहाँ पर शनि महाराज करने वाले। शनि के बाद हम बात करेंगे राहु के बारे में। तीसरे भाव में राहु का गोचर भी अच्छा माना जाता है, जो कि काफी दिनों से राहु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, लेकिन राहु आपकी कुंडली में अच्छे होने चाहिए, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 वैवाहिक जीवन में राहु की दृष्टि है, प्रेम विवाह का योग बनाएंगे। यदि राहु अच्छा है तो अच्छी स्थिति रहेगी, और राहु यदि खराब है तो प्रेम विवाह जुड़ने नहीं देंगे, विवाद कराएंगे, लड़ाई झगड़े करवा सकते हैं, तो ये स्थितियां भी यहाँ पर देंगे, मनमुटाव करवा देंगे कहीं ना कहीं। राहु की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में रहेगी, भाग्य साथ देगा, किस्मत आपके साथ देगी, अचानक कुछ जबरदस्त फायदा हो सकता है। राहु की जो नवम दृष्टि रहेगी वो लाभ भाव में, मन की इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, अचानक धन प्राप्त हो सकता है, काफी अच्छी स्थितियां हैं, राहु आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो बहुत सारे ग्रह जो है वो आपको काफी अच्छे परिणाम देंगे। जैसे सूर्य का जो राशि परिवर्तन है ये आपके फेवर में रहेगा, मंगल का जो राशि परिवर्तन है ये आपके फेवर में रहेगा, बुध आपको काफी अच्छे परिणाम देंगे, शनि आपको काफी अच्छे परिणाम देंगे, तो ये ग्रह आपको काफी अच्छे परिणाम देने वाले हैं। तो जनवरी का महीना कुल मिलाकर के आपके लिए आपके फेवर में रहेगा, जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी फल आपको मिलेगा, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद।